आई प्रोमिस यू गाइज, इसके बाद आप कभी भी मार्केट वाली ब्लीच को हाथ तक नहीं लगाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी स्किन ग्लो करने वाली है, चमकने वाली है। चैनल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चेहरे पर ब्लीच लगाना पसंद करते हैं। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो मंथ में एक बार या दो बार ब्लीच का यूज करते होंगे। बट क्या आप जानते हैं कि इन मार्केट वाली ब्लीचेस में होते हैं ढेरों केमिकल्स जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, स्किन को रिएक्ट भी कर सकते हैं। कई सारे लोगों को रेडनेस हो जाती है, रैशेस हो जाती है। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑल नेचुरल होममेड ब्लीच जो हम बनाएंगे एक आटे से। अब ये कौन सा आटा है थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, तब तक आप गेस कर सकते हैं। इस आटे से इतना बढ़िया फेस ब्लीच बनके तैयार होता है कि मार्केट वाली ब्लीच तो आप भूल जाने वाले हैं। आपकी स्किन लाइटन हो जाती है, सारा टैन रिमूव हो जाता है, स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है। और सबसे बड़ी बात, ये ऑल नेचुरल है, होममेड है, कोई केमिकल नहीं है इसमें, तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पसंद आएगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्न फ्लावर, जिसे हम मक्के का आटा भी कहते हैं। 2 चम्मच हम लेंगे कॉर्न फ्लावर। ये हम सबके घरों में होता ही है, चाइनीज डिशेस में हम इसे यूज़ करते हैं। सेकंड जो हमें इसमें ऐड करना है वो है दही यानी कि कर्ड। 2 से 3 चम्मच आपको लेना है दही। दही सूट नहीं करता तो मिल्क ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून आपको लेना है हनी यानी कि शहद। कुछ ड्रॉप्स आपको डालनी है लेमन की, 1/2 टीस्पून के बराबर लेमन जूस ले लीजिए। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें रोज़ वाटर, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून के बराबर एनफ होगा। अब इसका एक बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट हमें बना लेना है मिक्स करके। बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना है क्योंकि कॉर्न स्टार्च थिक हो जाता है रखे रखे, तो आपको इसे थोड़ा लिक्विड बनाना है। और थोड़ा सा लिक्विड बनाने से ये आपकी स्किन पर और अच्छे से काम करेगा, तो बहुत ज़्यादा थिक मत बनाइएगा। चलिए इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, एक ब्रश की हेल्प से आप इसे जेंटली अप्लाई कर लीजिए। देखिए, थोड़ा सा ये लिक्विड बना है तभी आपके स्किन के ऊपर अच्छे से काम करेगा, बहुत ज़्यादा थिक मत बनाइएगा। पहले इवनली अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। आप चाहे फिंगर टिप्स का यूज़ करें या फिर किसी ब्रश का यूज़ करें। हमें बेसिकली मसाज देना है 2 मिनट का। पहले जो होममेड ब्लीचेस होती हैं, अगर आप उन्हें मसाज देते हैं तो वो और भी अच्छी तरीके से काम करती हैं। तो पहले 2 मिनट का आपको अच्छी तरीके से मसाज करना है, जेंटली इस तरीके से रब करते हुए। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, दोस्तों आपके ऊपर ही इतना बढ़िया काम करने वाली है ना कि आप आके मुझे ज़रूर बताएंगे। मैंने जब इसे यूज़ किया था पहली बार में ही आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है, अभी आप खुद देखेंगे जब मैं फेस वॉश करूँगी। और कॉर्नफ्लावर मैंने पहली बार यूज़ किया था, मुझे पता नहीं था कि इतना बढ़िया ये स्किन पर काम करता है। यहाँ मैं आपको कुछ मसाज की टेक्निक्स बता रही हूँ, आप देख सकते हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है, डाउनवर्ड कभी भी मसाज नहीं करिएगा वरना आपकी स्किन सैग होगी। और मेरी वीडियो होती है फास्ट फॉरवर्ड, बहुत ही जेंटली आराम से आपको करना है। दोस्तों, कॉर्न स्टार्च में होते हैं मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स, ये आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, शाइनी बनाता है, वाइब्रेंट बनाता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है। ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत बढ़िया है ये। देखिए, 2 मिनट के मसाज के बाद आपका ये पूरा क्रीम ब्लीच आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा से एक अच्छी सी लेयर अप्लाई करनी है। 2 मिनट के मसाज के बाद आपका पूरी तरीके से ये अब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसको आपको वॉश नहीं करना है, इसके ऊपर से दोबारा से अप्लाई कर लेना है एक अच्छी लेयर, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, स्किन मेरी अभी से शाइन करने लगी है, पैक के बाद आप देखिएगा कितनी ज़्यादा शाइन करेगी। ये देखिए, लगाने के बाद आपको इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश करना है। मेरी स्किन में डिफरेंस आप मेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, इंस्टेंटली ब्राइटन अप हो गई है, सॉफ्ट एंड सपल हो गई है। मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है जब भी मैं अपनी स्किन को टच कर रही हूँ, चीक बोन्स शाइन करने लगे हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया सा आपको ग्लो मिल जाता है। आपकी स्किन अगर रफ हो गई है तो बहुत अच्छा सा सॉफ्टनेस मिल जाता है। ये आपकी स्किन को क्लीन करने के साथ साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को भी एनहेंस करती है, तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों, मस्ट ट्राई है ये। मेरे कहने से इसे एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। तो आई होप गाइस, आज की वीडियो आपको पसंद आई है, ये ऑल नेचुरल ब्लीच पसंद आया है, इसे ट्राई जरूर करिएगा। मार्केट वाली ब्लीच जैसा निखार नहीं आया तो मुझे कहिएगा। कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बेनिफिट्स, तो इसे ट्राई जरूर करिएगा। वीक में आप इसे एक बार या दो बार यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को झाइयां यानी कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया काम करने वाला है। अपनी स्किन को बनाए फ्लॉलेस, रेडिएंट एंड ग्लोइंग घर बैठे बिना किसी केमिकल के।
चलिए गाइस, इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है, ऑलरेडी मुझे लाइक्स मिल चुके हैं, शेयर करिएगा इस वीडियो को और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद द बेल आइकन। बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।